मेरठ में शुक्रवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ जब मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना सिटी स्टेशन और मेरठ कैंट स्टेशन के बीच हुई जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह घटना शटिंग के दौरान हुई। रेलवे अधिकारियों ने प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना किसी तकनीकी चूक या साजिश के चलते हुई है जिसकी जाँच की जा रही है। रेलवे अधिकारी मामले की जानकारी देने से बचते रहे हैं जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैंट स्टेशन से सिटी स्टेशन की तरफ जा रही मालगाड़ी अचानक तेज आवाज के साथ पटरी से उतर गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस संदर्भ में रेलवे मुख्यालय को पूरी जानकारी दी गई है और दिल्ली से उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारी घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं और मालगाड़ी के संचालन के बारे में भी सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पहले अधिकारियों ने कहा कि मालगाड़ी सहारनपुर से आई थी, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि यह हापुड़ से आई थी। मालगाड़ी में कोई सामान नहीं था और यह सिटी स्टेशन पर पहुंचने के बाद वॉशिंग के लिए जा रही थी, तभी यह घटना घटित हुई।